Hello, students. Good morning. Welcome to your social studies class. Today, we are going to start the last chapter of your economics, that is consumer rights, chapter number 25, page number 479. The consumer in the marketplace. We observed as National Consumers Day on 24 December every year. द नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस वॉज फल्ड बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस ऑफ द मैनुफैक्चर एंड ट्रेडर्स कैन गो टू एनी एक्सटेंड सो नैशनल कंज्यूमर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी फोर्थ दिसंबर को एवरी ईयर कंज्यूमर अवेयरनेस इसलिए स्टार्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी थी बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स जो थे जो ट्रेडर्स थे वो अपने बेनिफिट के लिए किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स को हम कर सकते थे डेट इज़ वाई कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट द एंड यूजर ऑफ़ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड कंज्यूमर कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्किट प्लेस बाई परचेजिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे नीड सो कंज्यूमर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं मार्किट प्लेस में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको परचेज करके कंज्यूमर पार्टिसिपेट करते हैं नीड फॉर प्रोटेक्टिंग द कंज़्यूमर्स क्या क्यों ज़रूरत है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देर इज़ अ ग्रेट नीड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फर्स्ट इज़ कंपनीज़ गिविंग फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले कंपनीज जो है गलत और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करती हैं सेकेंड सेलिंग एडल्ट्रेट एंड इम्प्योर फूड आइटम्स इम्प्योर uh, आइटम्स जो है उनको सेल करती हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लैकिंग प्रॉपर सेफ़्टी नॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो भी होते हैं उसमें जो प्रॉपर सेफ्टी फ़ीचर्स होते हैं जो नॉर्म्स होते हैं रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता है जितनी प्राइस होती है उससे ज़्यादा उसको लिस्ट किया जाता है और जो उसकी क्वालिटी uh, वगैरह रहती है वो भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है कभी कभी एंड जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं लिया जाता वेट अगर कम है तो प्राइस इंक्रीज करके लिया जाता है सो दीज आर द फैक्टर्स दैट एक्सप्लॉयड कंज्यूमर्स देन कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया द कंज़्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स ओरिजिनेट विद इन विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट इमोरल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सो कंज्यूमर मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ जब बहुत ज़्यादा कंज्यूमर के अगेंस्ट में मॉरल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होने लगा कंज्यूमर फोरम कंज्यूरम फोरम्स द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नोन एज कंज्यूरम फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन uh, बनी और लोकली जिसको बोला जाता है कंज्यूमर फोरम्स दे गाइड कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेज इन द कंज़्यूमर कोर्ट और उनका क्या वर्क रहता है वो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है उनका क्या वर्क रहता है कि वो कंज्यूमर को गाइड करती हैं कि किसी के अगेंस्ट में अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है किसी प्रोडक्ट और किसी कंपनी के अगेंस्ट में तो क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे कंज्यूमर कोर्ट में वो केस फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Co Consumer Protection Act, popularly known as COPRA. So, Consumer Protection Act Act kaps, uh, established hua in 1986 or popularly as COPRA COPRA. This act was enforced after the formation of Consumers International. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कॉपरा नाइनटीन एटी सिक्स इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन एक्टेड टू प्रोटेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया तो जितने भी कंज्यूमर की किसी भी किसी के भी अगेंस्ट में उनको कोई कंप्लेन है किसी भी तरीके का उनको केस फाइल करना है सो ये कॉपरा जो है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं थ्री टायर सिस्टम कोपरा जो है थ्री टायर सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल इन्वॉल्व है डिस्ट्रिक्ट लेवल में केसेस क्लेम कितने अमाउंट तक का क्लेम ले सकते हैं ट्वेंटी लैक्स स्टेट लेवल में बिटवीन ट्वेंटी लैक्स टू वन करोड़ एंड नेशनल लेवल डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम एक्सीडिंग वन करोड़ सो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर आपका अमाउंट ट्वेंटी लैक्स तक का है तब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्लेम करेंगे अगर आपका अमाउंट ट्वेंटी लाख से वन करोड़ के बीच में है तो आप स्टेट लेवल में कंप्लेन uh, कर सकते हैं एंड अगर आपका अमाउंट जो आपको केस फाइल करना है वो वन करोड़ के ऊपर है तो आप नेशनल लेवल कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं इफ़ अ केस इज डिसमस्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन द स्टेट एंड देन इन नेशनल लेवल कोर्ट अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिसमिस कर दिया जाता है उसके बाद भी कंज्यूमर स्टेट या नेशनल लेवल कोर्ट में अप्लाई कर सकता है देन देयर आर सम कंज्यूमर राइट्स ऑल्सो वॉट आर दे द कंज्यूमर राइट्स इंक्लूड राइट टू बी प्रोटेक्टेड राइट टू बी इंफॉर्म टू चूज राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू रिप्रजेंट राइट टू बी प्रोटेक्टेड राइट टू सेफ्टी क्या है जो भी सेफ्टी नॉर्म्स हैं या जो इलेक्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं प्रेशर कुकर कुकर्स वग़ैरह आते हैं जिसमें सेफ़्टी मेजर्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो करने चाहिए अगर वो सेफ़्टी नहीं फॉलो की जा रही है और जिसकी वजह से कुछ डेंजरस कुछ हैपन हो, हो जाता है कोई इंसिडेंस हो जाता है या हो जा हो सकता है ये लाइफ और प्रॉपर्टी को सो इसके अगेंस्ट में Uh, इसके लिए कौन सा राइट बना है राइट टू बी सेफ्टी राइट टू बी प्रोटेक्टेड और राइट टू सेफ्टी नेक्स्ट इज राइट टू बी इंफॉर्म्ड गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी टू मैंशन ऑल इंटीग्रियट्स सेफ्टी फीचर्स डेट ऑफ मैन्युफैक्चर सो गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें सारी चीज़ें फीचर्स डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस क्वालिटी क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट डायरेक्शन फॉर यूज़ सारी चीज़ें डिटेल्ड वे में पैकेट में आपके होना ही चाहिए ये मस्ट है सो राइट टू वे इन्फॉर्म इसके लिए कि जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर ले रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को मिलनी चाहिए दैन नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट इज़ राइट टू चूज़ राइट टू चूज़ क्या है कंज्यूमर के पास ये Uh, पूरी इंडिपेंडेंस uh, है पूरी उसके पास चॉइस है कि वो कि, uh, किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकता है कोई उसको इंसिस्ट या फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ ही लीजिए और इस चीज़ को मत लीजिए अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हो तो कोई आपको ये फ़ोर्स नहीं कर सकता कोई भी शॉपकीपर या मैनेजर या जेड कोई भी कि आप पर्टिकुलर ब्रांड की uh, शुगर लीजिए या पर्टिकुलर ब्रांड के बिस्किट्स लीजिए या पर्टिकुलर ब्रांड के टूथपेस्ट लीजिए ये आपकी चॉइस है ये कंज्यूमर की चॉइस है कि वो क्या कौन सी चीज़ चूज़ करता है नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सपर्टेशन इट मीन्स इफ एनी डैमेज इज डन टू अ कंज्यूमर ही हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज कंज्यूमर के पास राइट right एक होता है राइट टू सीक रिड्रेसल मीन्स अगर आपके खिलाफ आपके अगेंस्ट किसी कंज्यूमर के अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड हो रहा है या कोई एक्सप्लाटेशन हो रहा है तो वो इसकी कंप्लेन कर सकता है और जितना डैमेज हुआ है या जितना एक्सप्ल्टन हुआ है उसके बेसिस पे कंपनसेशन डिमांड कर सकता है नेक्स्ट इज राइट टू रिप्रजेंट कंज्यूमर्स राइट गेट द राइट टू रिड्रेस एंड टू डिमांड कंपनसेशन वाई सीकिंग एन एनी रिड्रेस द कंज्यूमर हैव द राइट टू रिप्रजेंट इन कंज्यूमर कोर्ट फॉर दिस पर्पज अ थ्री टायर सिस्टम हैज़ बीन सेटअप इफ़ एनी केस रिक्वायर कंज्यूमर कैन हेल्प कैन सीक हेल्प फ्रॉम द कंज़्यूमर फोरम और काउंसिल कंज्यूमर अपने जो भी प्रूफ्स हैं या जरूरत पड़ने पर अपने आप को रिप्रजेंट कर सकता है इन कंज़्यूमर नेक्स्ट इज लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर्स कंज्यूमर वाइल मेकिंग परचेज शुड कीप द फॉलोइंग थिंग इन माइंड जो भी कंज्यूमर है उसे कोई भी शॉपिंग करने से पहले या परचेज करने से पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको माइंड में रखना होगा फर्स्ट इज जो भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हैं उस पर आई एस आई एगमार हॉलमार्क एक्सेट्रा के साइन होने चाहिए सेकेंड कैश मीमो हमेशा लेना चाहिए एंड थर्ड इन केस ऑफ ग्रिविनेंस गो टू द कंज्यूरम फोरम अगर किसी भी तरीके का आपके पास आपके साथ फ्रॉड हुआ है कोई इलीगल चीज़ हुई है या आ, कोई डैमेज हुआ है तो कंज्यूमर फोरम में ज़रूर आपको कंप्लेंट करनी चाहिए नेक्स्ट इज़ टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्डेड प्रॉब्लम्स विद कंज्यूमर मूवमेंट जो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी जैसे फर्स्ट इज द कंज्यूमर रिड्यूसर प्रोसेस इज डिफिकल्ट एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग सबसे पहले तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है सेकेंड एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट वेरी क्लियर ऑन द इश्यू ऑफ कंपेंसेशन टू कंज्यूमर्स जो लॉ बनाए गए हैं कम्पेंसेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ज़्यादातर ट्रेडर्स कैश मोस्ट इशू नहीं करते हैं रूलर्स एंड रेगुलेशंस फॉर मार्केट फ़ंक्शंस आर नॉट फॉलोड रूल्स एंड रेगुलेशन जो मार्केट फंक्शन के लिए होने चाहिए वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो जो कि कंज्यूमर मूवमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नाव वी विल डू क्वेश्चन एंड आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन question number 8 how far rti of 2005 is the improvement over previous act explain okay is short answer next question question number 11 how will an aggr aggrieved person get his or her compensation explain with an example next question number 12 how do consumer protection council help consumers explain three ways Next question number 13. What are the various codes set up under COPRA? Next question number 17. How far COPRA can be called a landmark in the growth of consumers' protection? Or what is COPRA? When was it enacted? Next question number 26. When we buy commodities, we find that the price charged is something. Higher or lower than the maximum retail price printed on the pack. Discuss the possible reason should consumer groups do something about this. And last question, question number 28. In October 2005, the, the government of India enacted a law popularly known as RTI. What values are depicted by the functioning of RTI, or what lesson of values have you learn from the enactment of rti okay so now uh, we have completed your civics chapter also and question and answer and अब आपका इकोनॉमिक्स सॉरी सिविक्स आई से इकोनॉमिक्स के आपका ये चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है आपका इकोनॉमिक्स कोर्स भी अब पूरा कंप्लीट हो गया है सो so, हम लोगों ने हिस्ट्री और इकनॉमिक्स पूरा कोर्स कम्प्लीट कर लिया है सिविक्स में आपके दो चैप्टर्स अभी बाकी हैं एंड जोग्राफी में भी टू चैप्टर्स आर लेफ्ट सो इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर